तमाम से गुजारिश है कि वो पंडाल में जल्दी से आएं। नितिन और ये जो रैली का अहतमाम तो इसमें पूरा मुल्क इस काम में डूबा है क्योंकि इस मुल्क को कौम को बहुत अभी जरूरत थी, उनकी सर्विसेज की जरूरत थी। वो एक बहुत बड़े हेल्प थे, वो हमसे जुड़ा हो गए हैं। से हमारे पी से जनरल विपिन रावत जी चले गए और इनके ने इसमें हिस्सा लिया और मंडी की आवाम की फ्री मेडिकल कैंप किया था शहीद मेजर रोहित ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। इसलिए क्रिएट की गई थी कि आपस में जो तीनों अफवाज हैं उनमें कोऑर्डिनेशन बना रहे और मुल्क कौम के लिए एक बहुत बड़ा सरमाया जो हमने एक अनमोल रतन हमने खो दिया, हमें इसका बेहद अफसोस है। पूरा मुल्क पूरी कौम मैं सब सुने हैं और मन ही मन मैं उनकी मैं एज ए चेयरमैन शहीद मेजर रोहित मेमोरियल ऑर्गेनाइजेशन जो मंडी में आज हमने वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर जो मेजर रोहित मेमोरियल के नाम से है वहाँ से हमने एक रैली निकाली जो बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी में इख्तिताम हुई और इसमें मौन भी रखा गया जनरल विपिन रावत की याद में। और आज हम जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं जो हाल ही में एयर क्रैश में देश के लिए कुर्बान हुए, उनके साथ 13 सैनिक और हमारी मंडी की आवाम और मंडी की जो ये लोग यहाँ पे हैं और हमारी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ जहाँ पे हमारे मेंबर्स हैं, कश्मीर में है, जम्मू में है, जहाँ जहाँ पे हैं वो श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं। और इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम ताज़ियत पेश करते हैं और इस दुख की घड़ी में मंडी की आवाम, पुंछ की आवाम उनके साथ है, उनकी फैमिलीज़ के साथ हैं। और ये जो बहुत बड़ा लॉस हमारा देश का हुआ है,
इसको पूर करने में टाइम लगेगा और इसमें हम हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है का शहीद मेजर रोहित मेमोरियल का मिशन जो है, जो देश के लिए लोग कुर्बान होते हैं, जो देश के लिए कुर्बानी देते हैं, हम उनके हमेशा उनको हम याद करते हैं और हमेशा उनको याद रखेंगे। और हमारी जो यहाँ मंडी की आवाम है, इन्होंने 47 से लेके आज तक अपने देश के ऊपर जो जवान ऑफिसर जितने भी देश के लिए शहीद हुए हैं उनको हमेशा याद रखा है। शुक्रिया।